आज हम क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सीन बाय आवर नेक्ड आईज। हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हम सिर्फ किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो तीन टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। एंटन वैन लीवनहुक ने माइक्रोस्कोप की खोज करी थी। एंटन वैन लीवनहुक ने, तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है? दोज ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन, दोज ऑर्गेनिज्म वी कांट सी बाय आवर नेक्ड आईज। हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब ये बात तो हो गई डेफिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं और फो भी होते हैं। फ्रेंड दोस्त, फो मतलब दुश्मन। तो हम करेंगे फ्रेंड और फो। तो फ्रेंड के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? फ्रेंड के लिए हम ये करेंगे कि फो कैसे होते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम यूज करते हैं उनका बेसिकली किसमें? तो फ्रेंड, फ्रेंड पर्पस क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंडली इसलिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, नोस्टोकाना, बेनाइजेटोबैक्टर, दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टर। अब ये क्या है कि ये फ्रेंडली है क्योंकि इनकी वजह से नाइट्रोजन फिक्स होती है इन्वायरमेंट के अंदर, पेड़ों के अंदर। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया जैसे कि हम करें लैक्टोबैसिलस थुरिंजेनेसिस, जो कि मिल्क को कर्ड में बदलता है, मिल्क को कर्ड में। लुईस पास्चर की थ्योरी दी गई थी इस पर, मिल्क इनटू कर्ड वाले पर, पास्चराइजेशन थ्योरी, मिल्क को कर्ड में बदलना। तो ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारे यूजफुल है ईस्ट मेकिंग एल्कोहल। ब्रेड, इडली, डोसा और मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी बहुत होती है। बेसिकली ये चीज फ्रेंडली इन नेचर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड भी होते हैं। फो का मतलब क्या है भाई? जैसे फंगस जो होती है, ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए या किसी भी फूड मटेरियल को कुछ दिनों के लिए अगर छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, तो उनमें क्या होता है, फंगस जम जाती है। व्हाइट कलर के आपने देखेंगे, उसके बाद में वो ब्लैक कलर में आ जाते हैं, जिसे हम रेंसीड भी कहते हैं, रेंस। तो क्या होता है, वो फंगस होती है, वो खाना खराब कर देती है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, फूड पॉइजनिंग। तो ये फंगस हो गई। दूसरी बात करी जाए कि ये हमारे शरीर को जो फो होता है ये खराब करता है। अब जैसे वायरस की बात कर ले, जो अभी चल रहा है कोरोना, ये हमारे शरीर को खराब कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जो ह्यूमन बींग्स है मेनली उन पर ये अटैक कर रहा है, राइनो वायरस, ठीक है, और भी बैक्टीरिया भी होते हैं, कोलेरा, ठीक है, एड्स, ये सभी क्या है, सिफिलिस, गोनेरिया, ये फो है हमारे लिए, एनेमी का काम करते हैं। तो बेसिकली ये चीज थी फ्रेंड और फो में। अब हम जो करेंगे, बंद कर दिए, जो करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा एल्गी, चौथा फंजाई, पांचवा प्रोटोजोआ। वायरस मोस्टली, और यू कहे तो लगभग सारे वायरस जो है, ऑलमोस्ट ऑल वायरसेस आर फॉर अस, एनिमी फॉर अस, हमारे लिए खराब है वायरस, बट सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस। लैक्टोबैसिलस का मैंने एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया, ये बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है। एल्गी जैसे आपको पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, बट कई एल्गी क्या करती है, एल्गल ब्लू, आपने देखा होगा लेक में ग्रीन ग्रीन कलर की पानी के ऊपर परत जम जाती है, तो परत जमने की वजह से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है। जब वो ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो गिल स्लिट की मदद से रेस्पायर करती है लेकिन वो कर नहीं पाती, जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म होने पर आ जाती है। इसलिए एल्गी दोनों का काम करती है, फ्रेंड का भी, फोक का भी, बैक्टीरिया भी। फंजाई जो है सेप्रोफिटिक होती है, ये डेड और डिके पर डिपेंड करती है, सर्वाइव करती है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसका बेसिकली यूज भी है, जैसे जो हम गोबर इकट्ठा करते हैं वहां पर आप देखोगे कि सांप की छतरी जो होती है वो यूज करती है। दूसरी बात ये कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है एल्गी के साथ, अगर करती है एल्गी तो हम इसे कहते हैं लाइकन्स, अगर हायर रूट्स के साथ करती है प्लांट के तो हम इसे कहते हैं माइकोराइजा। हायर क्लास का ये प्रोटोजोआ, जैसे आपको पता है ये मलेरिया, अब ये क्या है, ये हार्मफुल है हमारे लिए, ये क्या करता है, पैरासिटिक के नेचर होते हैं और ये हमें खत्म करते हैं। अब दूसरी ये बात आएगी, ये बेसिकली मैंने बता दिया आपको वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, एल्गी क्या होती है, फंजाई क्या होती है, प्रोटोजोआ क्या होता है। अब कि एंटीबॉडीज इनके खिलाफ रिलीज होती है जब ये हमारी बॉडी के अंदर रिलीज हो जाती है, तो ये एक टाइप का प्रोटीन रिलीज करती है, एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर के अंदर, वो जब रिलीज होती है, जब कोई भी हार्मफुल माइक्रोब हमारे शरीर के अंदर पैथोजन का काम करता है। पैथोजन क्या होते हैं, दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कोज द डिजीज, ये होते हैं पैथोजन। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही कहा जाता है, बट वो कैसा नेचर है उसका, एनेमी नेचर हो, फोर नेचर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, पैथोजन कहेंगे, तो वो डिजीज कॉजिंग रहेगा, तो उस दौरान में हमारे शरीर से एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। तो इसमें कुछ बात आती है कि वैक्सीनेशन क्या होता है या वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन होती है जैसे टीकाकरण, और वैक्सीनेशन तो हम कहेंगे एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज करी थी, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। पास्चराइजेशन दी थी थ्योरी मिल्क इनटू कर्ड में, इसमें यह था कि भाई अगर दूध को हम एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करते तो उसके बैक्टीरिया खत्म हो जाते, जिससे जो दूध का जो यू कह सकते हैं दूध की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, तो ये पास्चराइजेशन थ्योरी थी। और जो एंटीबायोटिक ली जाती है हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, तो बायोटिक का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटी का मतलब अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमें बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, पेनिसिलिन यूज करी थी, पेनिसिलिन पेनिसिलियम से निकाली थी और पेनिसिलिन यूज करी थी। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर था, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना इस से।